वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो मैं टू डिफरेंट वे में आपको बताऊंगी फ़िश के मसाले, एक रेड और एक ग्रीन में। तो ये मैंने पॉम्फ्रेट ले लिया है, ये पॉम्फ्रेट को मैंने ऐसे पीसेस कर लिया है, काफ़ी बड़ा पॉम्फ्रेट था ये वाला, तो इस तरीके से पीस कर लिया है इसका। और ये मैंने होल पापलेट ले लिया है, इसे बीच में से इसे हम चीरे कर लेंगे, कट्स कर लेंगे बीच में से। तो मैं आपको सबसे पहले ग्रीन मसाला, जो फुल पापलेट है उसको मैं प्रॉपर मालवन ग्रीन मसाला लगाऊंगी, और जो रेड पापलेट है उसको रेड मसाला। तो ये दोनों का डिफरेंट मसाला होगा। सबसे पहले हम मिक्सी का जार ले लेंगे, इसमें हम ऐड कर लेंगे हरा धनिया। ये मैंने हरा धनिया ले ली हूँ। ये 5 से 6 टुकड़े अदरक के ले ली हूँ, ये भी जाएगा मिक्सी में। ये एक छोटा कली लहसुन का, 6 से 7 ग्रीन चिली, ये स्पाइसी वाला ग्रीन चिली है, तीखा ग्रीन चिली, और ये धनिया, साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड। इसमें हम ऐड कर लेंगे सॉल्ट, हल्दी पाउडर। ये ऐड करके हम इसे अच्छे से पेस्ट कर लेंगे ग्राइंड करके। ये देखिए मैंने ग्रीन मसाला जो है ये अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये प्रॉपर ग्रीन मसाला जो है ये मालवन मसाला है। आप ये वाला मसाला ज़रूर ट्राई कीजिए फ़िश के साथ। तो सबसे पहले हम फ़िश ले लेंगे, जो होल फिश है, सबसे पहले जो कट्स है उसमें हम अच्छे से ये मसाले भरेंगे। पहले हम इसमें मसाले भर के फिर ऊपर से अच्छा मसाले लगा लेंगे। इसे आपको काफ़ी अच्छे से मैरिनेट करना है। ये देखिए मसाला अच्छे से अंदर तक चले गया है इसमें। अब हम सबको ऐसे रिपीट कर लेंगे सब फिश के साथ। तो देखिए ये ग्रीन मसाला जो फ़िश है ये मैंने मैरिनेट अच्छे से कर चुकी हूँ। और ये मैं आपको रवा बताने भूल गई हूँ, आप इसको हमें रवे के साथ कोट करके फ्राई करना है। आप राइस फ्लावर भी ले सकते हो, चावल का आटा भी ले सकते हो। अब हम ये स्लाइसेस वाले फ़िश ले लेंगे, पीसेस वाले। इसमें हम रेड मसाला ऐड कर लेंगे, सिंपल रेड मसाला। ये मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है इसमें। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 से 3 टीस्पून। आप अपने हिसाब से ले सकते हो आपको कितना रेड, कितना स्पाइसी चाहिए। अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप कलर वाला जो है रेड, कश्मीरी रेड चिली भी पाउडर ले सकते हो। इसे हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तो ये देखिए फिश अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, ये रेड मसाले में मैरिनेट है और ये ग्रीन मसाले में। इसमें आप जो ग्रीन मसाला है उसमें आप ज़रा सा टैमरिंड, इमली या कोकम भी डाल के पी सकते हो, मैंने वो नहीं ऐड किया है। तो चलिए अब हम फ्राई कर लेंगे। हम ऑयल पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। अब फिश एक एक करके डालेंगे पैन में, 2 से 3 मिनट के लिए एक तरफ हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। आप चाहिए तो इसे कोटिंग भी कर सकते हो राइस फ्लावर के साथ। ये देखिए मैंने इसमें रवा कुछ नहीं लगाया है, सिंपल मसाले जो है बस उसी में हम फ्राई कर रहे हैं इसको। एक तरफ हो चुका है अच्छे से, आपको और ज़्यादा डार्क करना है आप कर सकते हो। ये दूसरी तरफ भी हो चुका है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। चलिए अब हम जो है ग्रीन पॉम्फ्रेट है वो कैसे फ्राई करते हो मैं आपको बताती हूँ। एक प्लेट में रवा ले लेंगे हम, इसे अच्छे से कोट कर लेंगे फिश को रवे से। मैंने आज जैसा आपको बताया आप राइस फ्लावर से भी कोट कर सकते हो। इसे हम ऑयल में डाल देंगे,
फ्राई होने के लिए। ये दूसरा फिश भी गया है इसमें फ्राई होने, इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर हम बीच बीच में देखते रहेंगे इसे। ये देखिए एक तरफ अच्छे से हो चुका है फ्राई। अब हाई फ्लेम पे आपको फ्राई नहीं करना है फिश, मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना है। ये देखो मसाले अंदर तक एकदम अच्छे से चले गए इसमें। तो चलिए मैं इसे डिश आउट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा जो रेड पॉम्फ्रेट फ्राई और ग्रीन मालवन मसाला पॉम्फ्रेट फ्राई रेडी है। आप इसे स्टीम राइस और दाल के साथ सर्व कीजिए और ये डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून फॉर मोर रेसिपीज़।